दुकान है, होटल है, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्रेटराइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो। ये मुसलमानों को सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। सभी से बातचीत हो गई है, सभी होटल ढाबे जितने हैं सभी से इसकी आम सहमति बन गई है और पूरे कांवड़ के हमारे जो मार्ग है इसको लेते हुए निर्णय किया गया है। इतनी नफरत क्यों है बीजेपी को मुसलमानों से? आपकी संविधान की ड्यूटी निभाई। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों के एक फैसले ने सियासी सुनामी ला दी है। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के रास्ते में तमाम मुस्लिमों की दुकानें भी आती है, जो फल, चाय और खाने के उत्पाद बेचते हैं। पुलिस यात्रा के बंदोबस्त में लगी है और उन्हीं में से एक इंतजाम ये भी है कि सभी मुस्लिम दुकानदारों को अपनी पहचान बताते हुए कारोबार करना होगा। हमारी किसी समुदाय से लड़ाई नहीं है, हमारा निवेदन सिर्फ इतना ही है कि आप अपने अपने होटल पर अपना प्रोप्रेटरशिप लेके अपने नाम से होटल चलाएं। हिंदू देवी देवताओं के नाम से या हिंदुओं के नाम से होटल नहीं चलेंगे, यही हिंदू वाहिनी का संकल्प था। बता दें कि हिंदू संगठन बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि मुस्लिम दुकानदार अपनी पहचान छिपाकर कारोबार कर रहे हैं। उनके मुताबिक कांवड़ियों के लिए ये जरूरी है कि वे जहां से सामान खरीदें उसका धर्म भी जान लें और अपना नाम छिपाकर कोई अन्य तथ्य रख के लोगों को कोई भ्रमित ना कर सके, इसको लेते हुए निर्णय लिया गया था और इसमें सभी से बातचीत हो गई है। सभी होटल ढाबे जितने हैं सभी से इसकी आम सहमति बन गई है और पूरे कांवड़ के हमारे जो मार्ग है इसको लेते हुए निर्णय किया गया। ये बोला जा रहा है कि आप मुसलमान की दुकानें मत जाओ, क्या है ये, किस लिए हो रहा है? आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, इसका नाम अबू बकर है, इसका नाम अली है, इसके पास मत जाओ आप। क्या उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी फैसला किया है कि कांवड़ के रास्ते में पड़ने वाले दुकानदारों को अपना असली नाम का बोर्ड लगाना होगा। अब देखना यह है कि दोनों सरकारों के इस फैसले पर सियासी दल क्या रुख अपनाते हैं। NBN हिंदी के लिए कंचन शर्मा और विक्रम दत्त की रिपोर्ट।